हेलो, वेलकम बैक इन जी कोड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस सी लैंग्वेज लेक्चर सीरीज की वीडियो में कि कमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट्स क्या होता है सी लैंग्वेज में। कमेंट्स का सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी लाइन को हम अगर अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि हम उस लाइन को अगर कमेंट कर दे रहे हैं तो कंपाइलर उससे ये समझता है कि इस लाइन को हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो वो उस लाइन को स्किप कर देता है। ठीक है, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो सिंपल सा कमेंट का मतलब यही होता है कि कमेंट क्या करता है कि जो कंपाइलर होता है उसको ये बताता है कि इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ एक कमेंट जो होता है यूजर के सिक्योरिटी के लिए लिखा जाता है कि इस लाइन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट language are used to provide information about lines of code। ठीक, कमेंट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है हम या यूजर को या फिर प्रोग्रामर को कि ये लाइन किस लिए लिखी गई है। ठीक है, तो ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्रोग्राम का बनाते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो फिर मैंने इससे पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, तो कमेंट जो होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। ठीक है, कमेंट आर टू टाइप्स। ठीक है, हमारा जो पहला होता है, नंबर एक जो होता है वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला जो होता है वो हमारा होता है, वो होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो हमारा होता है, सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं, यानी कि स्लैश एस्ट्रिक, उसके बाद कुछ उसमें लाइंस होती हैं और फिर एक बार एस्ट्रिक स्लैश। इसका ये मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मतलब इन दोनों के बीच में जो भी हमारा कंटेंट या फिर मैसेज जो भी लिखा होगा उसको वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हमारा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे ये एग्जीक्यूट ना करे यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, ये हमारा कोड है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट है एंटर द स्ट्रिंग एंड गेट, यानी कि स्ट्रिंग को हमने इनपुट लिया गेट्स कीवर्ड का यूज़ करके, उसके बाद प्रिंट है यस, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सिंगल लाइन कमेंट देना चाहेंगे जिसमें मैं लिख रहा हूँ तो दिस इज प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, देखिए ये चीज जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं रन करा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जी कोड। ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखा जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, इस लाइन को कंपाइलर ने स्किप कर दिया। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग अगर मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करें, यहाँ पर हम लोग कई सारे ऐसे प्रिंट एफ लिख लेते हैं जिसमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं कई बार। ठीक है, कई बार कॉपी पेस्ट कर दिया और सब कुछ ना कुछ मैसेज दे दिया, जैसे
J-code is the best channel for learning. ठीक है, ये कर दिया. से मेरा नाम है मोहम्मद जैद, तो I am मोहम्मद जैद. ठीक है, और ये हमारा हो गया वेलकम इन जे कोड. ठीक है, तो हम इसको कमेंट आउट करेंगे. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट ना करें. ठीक है, सिर्फ मेरा आई की वैल्यू प्रिंट हो, जो कि स्ट्रिंग हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से. ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सब कोई भी लाइन प्रिंट ना हो. ठीक है, तो मैं इसको एक बार रन कराऊंगा. ठीक है, यहाँ फिर से मैं यहाँ पे देता हूँ, नाम टाइप करता हूँ मोहम्मद सैद. ठीक है, ये देखिए आउटपुट हमारा जो आया है मोहम्मद सैद आया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई. एक बार मैं कमेंट को हटा देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ. ठीक है, ये मैंने कमेंट हटा दिए हैं और सब में मैं यहाँ पे स्लैश इन लगा देता हूँ. स्लैश इन का क्या मतलब ये होता है कि इट प्रोवाइड्स अ न्यू लाइन. ठीक है, जो भी हमारा स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा. ठीक है, कंसोल पे, आउटपुट कंसोल पे. ठीक है, तो इसको एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा. एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम एक बार फिर से लिख रहे हैं मोहम्मद जैद, छोड़िए इंडिया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड, जे कोड इज द बेस्ट चैनल फॉर लर्निंग, आई एम बेस सॉरी आई एम अ गुरु, आई एम मोहम्मद सैद, वेलकम इन जे कोड. और लास्ट में एट द लास्ट जो हम लोगों ने इनपुट लिया था इंडिया. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट रहा और ये हमने डिफरेंस दोनों में देखा. ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय.